देश अंग्रेजों का गुलाम था और गुलाम देश में थी गुलामों की गुलाम अछूत जातियाँ। क्या मेरे साथ इस चक्की को भी अपवित्र करना है? अपनी जाति याद है क्या तुझे? सबक सिखाएंगे, उछल देंगे। इन अछूतों ने उन पर होने वाले अन्याय और अत्याचार को ही भगवान की बनाई व्यवस्था मान लिया था। ईश्वर के कहर से डर, ये ब्राह्मण हमारे देव है देव। तब उदय हुआ एक मसीहा का। महाराज टाइम की आवश्यकता नहीं, ऐक्य की आवश्यकता है। मुझे मालूम नहीं, महान चंबार और महारों के बच्चों इस ने पीछे मसीहा बैठा है? के संघर्षमय काल में धर्म ही सभी बीमारियों की जड़ है। एक महापुरुष ने गुलामों को गुलामी का एहसास करवाने के लिए उन्हें सत्ता चाहिए अपना सारा जीवन कुर्बान कर दिया। हमें लड़ना होगा। बाबू हरदास एलन जी, कौन है ये? जय भीम के जनक। अब से सिर्फ हरदास एलन, किसी को समझेगा नहीं कौन सी जाति का है। लेकर आया हम सब के लिए जय भीम का वरदान। जय भीम के जनक बाबू हरदास एलन। जोहार बहुत हुआ, अब हमारे मुंह से निकलेगी सिर्फ स्वाभिमान की दहाड़। पहला बोलेगा जय भीम तो दूसरा बोलेगा बल भीम। पलकों के झरोखों से देखो से हाय, बिना देखे पिया अब तो रहा। बाबू हरदास, he was really great personality. Those who forget the history cannot create the history. बाबा साहब का सिपाही चाहिए ना, तो वो तुम्हारे जैसा, सिर्फ तुम्हारे जैसा। उसने दिया हमें ऐसा संविधान, उनकी कलम से अपना।